फकीर अगर सैल्यूट सभी व्यूअर्स सभी सब्सक्राइबर्स को और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। चित्रा जी हैं साथ में और अभी एक सज्जन है, उनसे मिल लेते हैं। हाय हाय मैन, कैसे हैं आप? रियली प्लेजर टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा आप सुबह सुबह इतना एफर्ट करके आप मिलने के लिए आ गए। नोएडा से आया एक्चुअली। वही तो मैंने आपको लिखा था कि मुझे जब कोविड हुआ था तो आपने ही मुझे बचाया था। ओह मनु, हेलो भैया। हेलो, कैसे हो भैया? मैं फर्स्ट क्लास। तो तेरा ये सरप्राइज था मतलब? हाँ, इतने देर से मेरे को बोल रही है कि बॉयफ्रेंड से मिलाने लेके जा रही हो, बॉयफ्रेंड से। ये सरप्राइज था? ये बॉयफ्रेंड है? हाँ, देखते देखो गाइस, आई एम मयंक, भैया का फकीरा, भैया का छोटा भाई, एंड शी इज माई सिस्टर इन लॉ। ये साली तुम्हारी है, मेरे जज्बात से खेल रही है। क्या शौक हो भाई, आप शौक हो जाओगे इसके साथ रहोगे तो। मैं शौक नहीं होने वाला, मेरे को कोई जल्दी बाजी नहीं शादी वादी करने की, गर्लफ्रेंड बनाने की, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो मिघल जी आप आइए, ड्रॉप कीजिए ठीक है। ये नहीं होने वाला। वैसे चित्र मैम खुद कैमरा पकड़ के बैठी हुई है। Hello. तो इनका इंट्रोडक्शन बाकी है, तो अभी इनसे भी आपको पहले मिलवा देता हूँ और फिर हम आज कहीं ना कहीं मैं दिल्ली में रुकने वाला हूँ, तो हम जो भी है मस्ती करते हैं, फन करते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन इसने सारा सब गड़बड़ कर दिया। हेलो, मैं चित्रा कल अजमेर से निकली हूँ, आज हम दिल्ली पहुँचे हैं और कल हम आगे की तरफ जाएंगे। जैसे कि फकीरा ने बताया था कि मेरे पैर में सर्जरी हो चुकी है और 2008 से मैं कहीं नहीं गई हूँ, और कुछ समय पहले मैंने फकीरा के वीडियोस देखे। लेह लद्दाख जाने का काफ़ी मन हुआ, बहुत मन हुआ, और मैंने सोचा जाना ही है, लेकिन जाना पॉसिबल नहीं था सर्जरी की वजह से, क्योंकि मैं ज़्यादा चल नहीं पाती। ये मोनू है, ये मोनू की साली, मैंने इसका नाम भी मोनू की साली के नाम से नंबर से सेव किया हुआ है, और ये तो मैं हुई। और आगे चित्रा मैम बैठी हुई है। मैम कैसे हैं आप? Hi. कैसा लग रहा है मेरे साथ जर्नी करके? अच्छा। और अभी ओला में हमारे टैक्सी चलाने वाले भैया भी हैं। हाय कर दो भैया। हाय। दिल्ली में ना एक अभी छोटी सी लाइन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, नियम तोड़ने का भी नियम होना चाहिए। तो हमने टैक्सी वाले भैया को बोल दिया कि अगर ऐसा कुछ लगे तो हाथ उठा के इशारा कर देना, तो हम सबके सब मास्क ऐसे लगा लेंगे। ये रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा आप लोग मत करना, लेकिन जब अच्छी खासी फैमिली हो, सबको पता है कि आपस में हमें किसी को कुछ भी नहीं है, तो खामोखा क्यों डरें ऐसा। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, अगर आपको लगाना है जो भी नियम है उनको फॉलो कीजिए। अच्छा सुनो, अभी ना इसकी मेघा की फीलिंग्स सुनते हैं, ये क्या चाहती है मेरे से? क्या चाहती है? शादी करना चाहती हूँ। क्यों शादी करना चाहती हो? घर बसाना है आपके साथ। ये सही में ना एक जोक ही है, जिस तरह से हंस रही आप समझ सकते हो, ये विश्वास करने वाली बात नहीं है। अब ये सीरियस मोड पे बोलेगी, बोलना जोक नहीं है, बिल्कुल सच में। अभी हम लोग, यार ये मास्क लगाना ना वाकई मेरे को बहुत प्रॉब्लम से लगता है, पॉलीकूल पे जाएंगे कुछ खा लेते हैं। ऑल लग्जरी कार्स, मोनू भी लगा हुआ अपने काम में, मीठा अपनी जल्दी बिखेरना चाह रही है, लेकिन उसका मकसद वो नहीं होगा। टेबल फॉर फोर। यस, अपस्टेयर सेकंड फ्लोर। शुक्रिया, थैंक यू। अब बारी है मुंह को सैनिटाइज करने के लिए ना, अब मुंह को भी अंदर से सैनिटाइज किया जाएगा। Yes, thank you. आप कैमरे पे हो, हैप्पी बर्थडे ऋषि। खूब मरो, फिर खूब मरो। नहीं ये वो वाली नहीं, मैजिक वाली है। मैजिकल है वो, खूब ज्यादा मारने पड़ेगी। खूब मरो उसमें। खूब मारी। मारो मारो। यू हैप्पी बर्थडे उर्वशी।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, बुझाओ ना उसको, नहीं बुझ उसका बर्थडे है, उसका बर्थडे है। हेलो हेलो, बुझाओ बुझाओ उसको, बुझाओ प्लीज, नहीं बुझाएगा, प्लीज को बुझाओ, बुझाओ ना प्लीज, बुझाओ बुझाओ, आप उसकी मदद हो, आप बुझाओ, नहीं बुझेगी आपको, फैमिली मेंबर ही बुझाता है, अरे प्लीज ना, प्लीज 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 बुझा दो उसको, प्लीज ना, कम ऑन, और जोर से, ये तो कोई चीटिंग मत करो, बर्थडे ठीक से मनाओ। उरुषि मॉम ना बर्थडे ठीक से नहीं मना रही है, कैंडल नहीं बुझा पा रही है। फकीर अगर सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, चित्रा जी हैं साथ में, और अभी एक सज्जन है, उनसे मिल लेते हैं। हाय हाय मैन, कैसे हैं आप? रियली प्लेजर टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा, आप सुबह सुबह यार इतना एफर्ट करके आप मिलने के लिए आ गए। नोएडा से आया एक्चुअली। वही तो मैंने आपको लिखा था कि मुझे जब कोविड हुआ था तो आपने ही मुझे बचाया था। मैं तो जो काम अपने को करना होता है वो करना होता है। 18 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियो देख के मैंने काटे हैं, मेरे मेरे वाइफ ने। ये आपका मतलब इस तरह से बोलते हैं, वाकई में अच्छा लगता है। आप चित्रा जी से मिले? हेलो मैम, और आपको बहुत बहुत बधाई, रियली आप बहुत लकी हैं। बिल्कुल, मैंने 4 साल पहले बाइक बुलेट खरीदी, हम 8 दोस्तों ने तो सोचा था जाएंगे, 4 साल में सिर्फ 1200 किलोमीटर ही चला पाया हूँ, नहीं बनाए, पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि बींग आई एम अ बैंकर और एक सेंट्रल एजेंसी में डिप्यूटेड हूँ, टाइम नहीं मिला और कुछ कह सकते, लेकिन इच्छा थी जाने की, अभी भी है, ऐसा नहीं नहीं जाऊँगा। इच्छा जरूर पूरा होगी, इच्छा अंदर दिल से होती हो जाती है पूरी। आज मिलने से का आप सब मतलब कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, जैसे मैं देख रहा था आपको, मॉनिटर कर रहा था, आप जा रहे हैं तो मिलूँगा, मैं नोएडा से आया हूँ अभी। दोस्तों इस तरह से प्यार मिलता है, आप अपने काम में लगे रहिए, आपको भी प्यार मिलेगा, बस काम अच्छा और दिल से करते रहिए, और बस करते रहिए। चलिए अब हम चलते हैं पठानकोट की तरफ, दोस्त बहुत अच्छा लगा आपसे। सतविंदर जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो सुबह सुबह आए, उनकी डॉटर भी उनके साथ में थी, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गोप्रो से अभी मैं बहुत यूज़र फ्रेंडली नहीं हूँ ये न्यू वाले सेट से, तो उसकी वजह से हैंग हुआ था और उसके बाद में स्लो मोशन में आया, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों ये है दिल्ली, एक शानदार सा शहर हमारे देश का, बहुत खूबसूरत सी सुबह है, और ये सफ़र आज का रहेगा पठानकोट तक, क्योंकि वहाँ पे फिर RT-PCR की जो रिपोर्ट होती है वो हमें चेकअप कराना है, फिर रिपोर्ट लेनी है, और कल वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट होगी जब हम एंटर करेंगे श्रीनगर के लिए, कश्मीर के अंदर एंटर करेंगे, तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी। धौला कुआ इस तरफ है, बसंत बिहार इस तरफ है, और हमारी मंजिल एकदम सामने है। ये दोस्तों पंजाब के खेत हैं, और ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे ट्रैफिक जाम है, और ट्रैफिक जाम इसलिए है क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, तो इसलिए हाईवेज जो हैं शायद ब्लॉक हैं, तो अंदर से जाना पड़ रहा है, लेकिन इसी बहाने गांव देखने को मिल रहे हैं, गांव का मतलब इनर रूप जो होता है वो देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन की वजह से डाइवर्जेंस बहुत बने हुए हैं, लेकिन किसानों की बातों को कोई सुने तो कुछ काम हो, जो भी है इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इनकी भी मेहनत, अब गर्मी है यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम गर्मी है, इन्होंने विंटर भी देखा है, अब बारिश भी आ गई है, और किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं ये लोग, बहुत टफ है। अब मांगे जैसी भी हैं, जो भी हैं, कहीं ना कहीं इनका भी देश है, इनकी बातें भी सुननी चाहिए। मैं अभी यहाँ से मुतुल से भी पराठे खा के अब मैं जा रहा हूँ पठानकोट की तरफ, तो सर हमें मिले हैं, एक फॉर्मल रूटीन जो चेकिंग होती है, आप भी समझिए कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। हाँ जी, ऐसा है, हमारे को यहाँ सोनीपत आदेश SP साहब ट्रैफिक थाने से हैं, हम चलान के लिए खड़े हैं, कोई गाड़ी आती है उसमें बगैर सीट बेल्ट हो, विदाउट
सीट बेल्ट या साइड सीट बेल्ट बगैर उसका चलान है, और ये हाई स्कोर की नंबर प्लेट है जो ऑल इंडिया में ऑनलाइन है, उनके लिए हम चलान के लिए हैं, और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह विदाउट नंबर प्लेट, कोई डीएलटी टैक्सी वगैरह है उसमें वर्दी अलाउ है, इसलिए हम चेकिंग कर रहे हैं। तो अब मैं सर को भी एक बार दिखा देता हूँ, मतलब मेरा चैनल है, गाड़ी भाई को और दिक्कत है। क्या नाम है सर? फकीर FAKIR। तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल बटन दबा सकते हो, और कल के वीडियो में आप लोग अच्छे से आएंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। कुछ कुछ स्ट्रक्चर अच्छे लगते हैं, तो उनमें से ये एक शानदार होता है ये, और जब भी मौका मिलता है ये सेवादारी है, सेवा कर वाहेगुरु जी का था, वाहेगुरु जी भी पता है। दोस्तों सिखों का एक चीज़ तो क्लियर है, बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा सेवादारी होता है, बहुत सेवा करते हैं सोसाइटी की, जनता की, और बहुत लोगों के ज़रूरतमंदों के काम आते हैं। एग्जांपल देखना हो तो अगर आप पैंडमिक के दौरान आप देखेंगे, किसी भी गुरुद्वारे ने, ऐसा कोई गुरुद्वारा शायद नहीं होगा जिसने अपने डिवीज़न के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा खाना बना के बांटा है और खिलाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो जालंधर में हुआ है। चित्रा जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये बेसिकली शरबत था, गर्मी यहाँ बहुत हाई, एकदम गर्मी है, मतलब बहुत ही 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, तो ये रूह अफजा बनाकर उन्होंने पिलाया था, बहुत शानदार था। पंजाब का एक गांव, होपफुली शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि RT-PCR रिपोर्ट आज करनी है, लेनी है, चेक कराना पड़ेगा, और मैं पठानकोट में कराने वाला हूं, जिससे मुझे कल एंट्री करते वक्त कश्मीर में, और उसके बाद लद्दाख में जब एंट्री करूंगा, तो दोनों टाइम में वही RT-PCR रिपोर्ट है वो काम आ जाए। यहाँ पे भी शरबत पिलाया जा रहा है। तो अभी हम आ गए हैं पठानकोट के एकदम क्रॉस बॉर्डर पे ही है, मतलब हार्डली 3-4 किलोमीटर है यहाँ से सिटी। शिव जी की खूबसूरत सी प्रतिमा जो आपने देखी होगी, बहुत पीसफुल जगह है ये। मैं अभी यहाँ पे इसलिए नहीं रुका क्योंकि मुझे वो अपनी रिपोर्ट कराने के लिए, RT-PCR रिपोर्ट के लिए लैब में जाना है, और लैब का टाइमिंग 7 बजे का है, तो कोशिश ये है कि 7 बजे से पहले पहुँच जाऊँ और एक चेकअप करवा लूँ। खूबसूरत सी रोड्स हमेशा हर वीडियो में आपको दिखती रहेंगी, क्योंकि अब हम हैं जन्नत की तरफ।
मैंने ये फ़ोटो दिखाने के लिए या पेंटिंग दिखाने के लिए आपको कैमरा नहीं ऑन किया, मैंने ये सनसेट दिखाने के लिए कैमरा ऑन किया। अभी मैं हूँ पठानकोट में और नीचे वो जो खड़ी है वो मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं हूँ थर्ड फ्लोर पे। आज सनसेट आपको मैं कार से नहीं दिखा रहा हूँ, होटल के विंडो से दिखा रहा हूँ। और रही बात रूम की, तो रूम है मेरा ये, इस रूम में पहले भी मैं रुका हूँ, मुझे याद है ये रूम। चित्रा जी पास वाले रूम के अंदर है। कल का जो दिन था और आज का राइड, ये सब मैंने एक ही साथ में आज एडिट किया है। छोटी छोटी घटनाएं हुई थी दोस्तों। ये जो ब्लॉग्स हैं आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि इसमें पर्सनल लाइफ भी इन्वॉल्व है, तो कोशिश मेरी यही है कि मैं मतलब डेली ब्लॉग में आऊँ। अगर डेली ना भी कर पाऊँ तो हफ्ते में 5 ब्लॉग करूँ, 6 ब्लॉग करूँ, या मैक्सिमम आप लोगों से अपना कनेक्शन बना के रखूँ, ये मेरी कोशिश अब रहेगी। तो अगर बात होती है डेली लाइफ की, तो उसमें डेली लाइफ में कुछ पर्सनल मोमेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो कुछ लोग होते हैं, तो वैसे आपको अभी आगे देखने को मिलते रहेंगे। मैं पूरा हिंदुस्तान ट्रैवल किया है, तो मेरे सब जगह पे कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट जितने भी बने हुए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब से ज़्यादा बने हुए, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, RT-PCR रिपोर्ट का जहाँ तक सवाल था, मैंने होटल में पूछा है तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो यहाँ पे आपको चक्कर कटवा सकते हैं, और यहाँ की जो प्राइवेट लैब्स हैं उसके अंदर, पठानकोट की जो प्राइवेट लैब्स हैं उसके अंदर RT-PCR चेक नहीं होता है। तो उन्होंने सॉल्यूशन जो बताया वो ये बताया कि सीधा मैं लखनपुर बॉर्डर पर जाऊँ और वो बॉर्डर पे राइट वे आपका जो चेकअप है वो करते हैं और 15 से 20 मिनट लगते हैं, वो जो रिपोर्ट है वो आपके हाथ में आ जाती है। तो कल मैं पहला अटेम्प्ट करूँगा कि सीधा बॉर्डर पर जाऊँ और रिपोर्ट लेने की कोशिश करूँ। इनकेस अगर कोई इफ एंड बट होता है तो फिर मैं दोबारा बैक रिटर्न आके पठानकोट से रिपोर्ट बनवाऊँगा। जो भी रहेगा मैं आपको एकदम अपडेट कर दूँगा, जिससे जब भी आप अगर इंडिविजुअली कोई राइड करते हैं या प्लान करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, बेझिझक आप आराम से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपको शेयर करूँगा, जिससे आप अपना आगे का प्लान कर सकते हैं। रही बात कल के ब्लॉग की, तो कल सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊंगा पठानकोट से, और मेरी पूरी कोशिश जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि मैं क्या अटेम्प्ट करने वाला हूँ। रही बात चित्रा जी की, तो मैं बताता हूँ चित्रा जी अभी ट्रैवल को बहुत एंजॉय कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली कल के ब्लॉग के अंदर मैं उनसे आपको एक इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, क्योंकि वो कैमरे के सामने एक्चुअली बोल नहीं पाती हैं ठीक से, मतलब झिझक होती है, हेजिटेशन हो रहा है उनको, तो कोशिश करूँगा कि कल उनसे आपको एक अच्छे से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, और जैसे भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो आपको बता पाएंगे। और अगर आपको मेरा एफर्ट, मेरी कोशिश, मेरा प्रयास और मेरा कंटेंट ठीक लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।